हेलो स्टूडेंट्स, तो इसके पहले क्लास में हम लोगों ने सीरीज इक्विवेलेंट, पैरेलल इक्विवेलेंट एंड मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स और बैटरी के बारे में देखा था। आज हम उसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे इस क्लास में, है ना। और उसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, आई मीन एमीटर, वोल्ट मीटर, पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज, है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी ये क्वेश्चंस क्या है, एच सी वर्मा का क्वेश्चन है, उसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 32। इसमें क्या है कि एक सर्किट है, देखो ये सर्किट, जो एक सर्किट है इसमें क्या है, इस स्विच यहाँ रखा गया है, स्विच यहाँ दिया हुआ है। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, दिया हुआ है कि कंसीडर द सर्किट शोन इन द फिगर, फाइंड द करंट थ्रू 10 ओम रेजिस्टर व्हेन द स्विच एस इज ओपन एंड क्या है क्लोज्ड। आपको क्या करना है कि इस 10 ओम रेजिस्टर के थ्रू कितना करंट फ्लो होगा, वही आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। दो केस में, पहला केस क्या है कि स्विच एस जो है वो क्या है, ओपन है, और दूसरा केस क्या है, स्विच क्या है, क्लोज है। तो अभी देखो ये ओपन, यही हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये क्या होगा, व्हेन स्विच एस इज क्या होगा, ओपन। तो जो ओपन हो जाएगा तो इधर से कुछ करंट जाएगा क्या, नहीं जाएगा। इधर से करंट यदि आई डैश है तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आई मीन ये क्या हुआ, व्हेन हमने मान लिया व्हेन स्विच इज क्या है, अब देखो जब स्विच ओपन होगा तो इधर से मान लिया कि हमने कि बैटरी कितना करंट सप्लाई कर रहा है, आई, यही करंट ये क्या होगा 10 ओम रेजिस्टर के थ्रू भी जाएगा, यही करंट, सिंस स्विच इज ओपन तो इधर सर्किट है ही नहीं तो करंट इधर से फ्लो नहीं होगा, यही आई करंट क्या होगा 20 ओम रेजिस्टर के थ्रू भी जाएगा, फिर ऐसे। अब आप ध्यान से ऐसे सोच सकते हो कि क्या है कि 10 ओम और 20 ओम रेजिस्टर के थ्रू करंट क्या है, सेम है ना। तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों जो रेजिस्टर है वो क्या है, सीरीज में, क्या है, सीरीज में। एक मेथड तो ये भी हो गया। दूसरा मेथड ये है कि आप आसानी से क्या कर सकते हो, किरचॉफ्स लॉ यूज कर सकते हो, तो उससे भी आंसर आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि ये वाला जो रेजिस्टर होगा वो क्या होगा, दिस आई मीन 10 ओम एंड क्या होगा 20 ओम आर इन सीरीज। तो इनका आर एस से हम क्या करेंगे, इनके आर इक्विवेलेंट से हम क्या करेंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 30 ओम हो जाएगा। तो अब हम सर्किट को रीड्रॉ कर सकते हैं। सर्किट जब आप यहाँ रीड्रॉ करोगे तो कुछ इस टाइप का हो जाएगा, ये आर एस हो गया, दिस इज 3 वोल्ट बैटरी, 3 वोल्ट अब बैटरी है ना, और यहाँ से करंट जो सप्लाई हो रहा है क्या हो रहा है, तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि आई जो होगा वो क्या होगा 3 अपॉन क्या हो जाएगा आर एस, आई मीन कितना हो जाएगा 3 अपॉन 30, आई मीन 0.1 एम्पियर जो होगा वो क्या होगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा 0.1 एम्पियर आंसर हो जाएगा। दूसरे तरह से आपको लग रहा है कि नहीं मुझे ऐसे नहीं सॉल्व करना है, सीरीज पैरेलल इक्विवेलेंट नहीं यूज करना है, तो हम क्या करेंगे, देखो मेथड टू मैं बता रहा हूँ, बाय यूजिंग किरचॉफ्स लॉ, ठीक है, बाय यूजिंग किरचॉफ्स लॉ हम कैसे सॉल्व करेंगे, बाय यूजिंग किरचॉफ्स लॉ, नितिन इसमें थोड़ा इंटर, बाय यूजिंग किरचॉफ्स लॉ हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इधर ध्यान से, आपको किरचॉफ्स लॉ आना चाहिए, ये स्विच क्या है ओपन, आई मीन यहां से यदि करंट आई जा रहा है तो यही करंट ऑल रेजिस्टर से शुरू क्या होगा, फ्लो होगा, ठीक है। ये कितना है 10 ओम, ये कितना है 20 ओम। अब केवीएल लूप लॉ कंसीडर कर लो, लूप ऐसे कंसीडर कर लो, तो लूप लॉ जब यूज करोगे तो क्या होगा, देखो ये 3 वोल्ट है, तो यहां क्या लिख सकते हैं, कहीं से देखो ए बी ना नेमिंग कर दो सी डी ई, तो हम लिख सकते हैं अप्लाइंग लूप लॉ क्या होगा, देखो तो 3, क्यों हम बैटरी से ऐसे जा रहे हैं, करंट के डायरेक्शन में हमने लूप, तो लो टू हाई जा रहे हैं तो +3, करंट के डायरेक्शन में जाएंगे तो रेजिस्टर के अक्रॉस -IR, तो कितना हो जाएगा -10I -20I इक्वल टू क्या होगा 0, तो I 30I इक्वल टू 3, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.1। तो दोनों तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, और भी मेथड है
नोडल एनालिसिस भी है जिसको हम यूज करके हम आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा इसमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि व्हेन स्विच क्या होगा, क्लोज होगा, तो जब क्या होगा, बी में क्या है क्वेश्चन, आई मीन इसका जो बी पार्ट है, बी पार्ट में क्या दिया, व्हेन क्या होगा, व्हेन स्विच इज क्या होगा, क्लोज्ड। तो जब स्विच क्लोज हो जाएगा तो देखो ये स्विच जब क्लोज हो जाएगा तो कुछ सर्किट ऐसे हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा सर्किट। अब इसके अक्रॉस V इक्वल टू आई आर, तो V क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये अब क्या देखो, जैसे ही ये क्या होगा, स्विच क्लोज हो जाएगा, सॉरी ये थ्री, जैसे ही हमने स्विच क्लोज किया तो करंट ऑलवेज क्या होता है, वैसे पाथ को फॉलो करता है जिसको जिसके थ्रू रेजिस्टेंस क्या हो, कम। तो जितना करंट होगा ये क्या होगा, यहां से यदि हम आई करंट, आई बैटरी आई करंट सप्लाई कर रहा है तो 10 ओम के थ्रू भी क्या होगा, आई फ्लो होगा। लेकिन इधर करंट क्या हो जाएगा, जीरो चला जाएगा, इधर आई करंट चला जाएगा। आई मीन सिंपल क्या है कि ये यदि क्या होगा, ये जो रेजिस्टेंस है ये क्या होगा, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट की तरह क्या होगा, बिहेव कर जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो V इक्वल टू क्या होगा आई आर, ये भी जीरो हो गया तो आई भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि उसको क्या कर सकते हैं, करंट आई मीन क्या कर सकते हैं, हम उसको शॉर्ट सर्किट से हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं, हम शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ऐसे सर्किट ऐसे हो जाएगा, सिंबल आप ऐसे भी दिखाओ और नहीं तो ऐसे भी रहने दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 3 अपॉन क्या लिख सकते हैं, 10 आई मीन क्या हो जाएगा, 0.3। ये समझ में आया, V इक्वल टू आई आर, V क्या हो गया, जीरो हो गया, तो ऑब्वियसली R तो जीरो नहीं होगा, तो I को क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, I जीरो होगा तो ये शॉर्ट सर्किट की तरह, जब I जीरो हो जाएगा तो सॉरी हमने गलत बोल दिया, शॉर्ट सर्किट की तरह नहीं बिहेव करेगा, ये क्या होगा, ओपन सर्किट की तरह क्या होगा, बिहेव करेगा, ठीक है, क्योंकि V क्या हो गया, जीरो, तो आई क्या होगा, जीरो होगा। और आई जीरो तभी हो सकता है जब आर क्या हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, तो हम बोलेंगे कि ये क्या होगा, ओपन सर्किट की तरह क्या होगा, बिहेव करेगा, टोटल करंट जो होगा इधर से पास हो जाएगा। तो ये क्या होगा, आई इक्वल टू क्या हो गया, 0.3 एम्पियर करंट हो गया। दूसरा एक क्वेश्चन है, एचसी वर्मा का ही क्वेश्चन है, आप देखेंगे, देखो ये क्या है, क्वेश्चन नंबर कितना है, 33। इसमें सर्किट दिया हुआ है, क्या है, 4 4 6 4, आई मीन फोर सिक्स फोर और 6 ओम, ये क्या है 4 ओम, और इधर एक रेजिस्टर्स कनेक्टेड है, क्या हो जाएगा, इधर क्या होगा, एक रेजिस्टर कनेक्टेड है, ये क्या है, ये भी क्या है 4। अब आपसे क्या पूछा गया है, फाइंड द करंट थ्रू 3 रेजिस्टर्स, क्या है एस वन, इधर यहां फाइंड करंट थ्रू 3 रेजिस्टर्स, अब देखो सोचो ये क्या है, एचसी वर्मा का 33 नंबर क्वेश्चन, ये आपको क्या, ये जो ईएमएफ इस बैटरी का दिया हुआ है 4 वोल्ट है और ये क्या है 2 वोल्ट है, इसको कैसे ट्राई करेंगे, आप बता सकते हो कि इसको कैसे हम ट्राई करेंगे। अब देखो हमेशा याद रखना, देखो अब आप इसके बारे में देखो, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, जीरो हो गया, तो इससे करंट जो 4 ओम रेजिस्टर है उस रेजिस्टर के थ्रू जो करंट फ्लो होगा वो इसके थ्रू कुछ करंट फ्लो होगा क्या, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि करंट ऑलवेज मिनिमम रेजिस्टेंस वाले पाथ को क्या करता है, फॉलो करता है। तो देखो इधर क्या है, रेजिस्टेंस जीरो है और इधर रेजिस्टेंस का क्या है 4 वोल्ट, इधर से जो करंट जाएगा वो हम बोल सकते हैं डायरेक्टली क्या हो जाएगा, इधर से आई डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो करंट यहां से जाएगा, आई मीन जो करंट ऐसे जाएगा, मान लो कि आई करंट जा रहा है यहां से बैटरी
ये आई करंट सप्लाई कर रहा है, तो ये वाला जो करंट आई होगा वो ऐसे मूव कर जाएगा, ठीक है। अब आप बोलोगे सर आपने फोर वोल्ट वाले पोलरिटी से ही क्यों करंट सप्लाई किया, इधर से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अलवेज याद रखना है कि वेन एवर मोर देन वन सेल्स आर कनेक्टेड देन अलवेज कंसीडर द करंट सप्लाई बाय द सेल विच हैव लार्जर ईएमएफ। जिस सेल का ईएमएफ लार्जर होगा वो सोर्स की तरह क्या होगा, बिहेव करेगा, क्या करेगा, सोर्स की तरह बिहेव करेगा। आई मीन उसी को सोर्स करंट सोर्स हम कंसीडर करेंगे, ऐसा एक रूल होता है, अदरवाइज हम किसी को भी कंसीडर कर सकते। अब देखो यहां देखोगे ये वाला जो करंट, ये जो बैटरी है वो करंट किधर सप्लाई करेगा, इधर, और एक 4 वोल्ट जो सेल है वो करंट किधर सप्लाई करेगा, इधर। दोनों करंट क्या है, आई मीन सीरीज अपोजिशन में है। तो यदि मैं नेट ईएमएफ लिखूं तो डायरेक्ट लिख सकता हूं 4 माइनस क्या हो जाएगा 2 वोल्ट। एक तो मेथड ये भी हुआ कि हम डायरेक्ट क्या कर दें कि इक्विवेलेंट ईएमएफ से रिप्लेस कर दें। इक्विवेलेंट ईएमएफ से जब आप रिप्लेस करोगे तो देखो ये सर्किट कैसे हो जाएगा, इधर करंट जीरो हो जाएगा, तो सर्किट को मैं रीड्रॉ कर रहा हूं। देखो तो ये क्या हुआ, 4 वोल्ट इधर और 2 वोल्ट इधर, तो कितना हो जाएगा। कल के क्लास में मैंने बताया था कि सीरीज इक्विवेलेंट ऑफ ईएमएफ ऑफ द सेल्स कैसे कैलकुलेट, तो 4 माइनस क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं। तो और पोलैरिटी किसका कंसीडर करेंगे, जो वैसा सेल जिसका ईएमएफ क्या होगा, लार्जर होगा। तो यहां पोलैरिटी किसका, हम 4 वोल्ट वाले का कंसीडर करेंगे। अब डायरेक्ट ये कितना हो जाएगा 2 है, इक्विवेलेंट हम सर्किट ड्रॉ करेंगे। यहां भी करंट आई, यहां भी करंट क्या होगा आई। अब तो आप आसानी से बता सकते हो कि ये और ये क्या है, सीरीज में है। देखो यहां से बोल सकते हो कि 4 ओम और 6 ओम रेजिस्टर के थ्रू करंट क्या होगा, सेम फ्लो होगा, व्हाइल दिस 4 ओम रेजिस्टर के थ्रू करंट क्या होगा, जीरो होगा, उसके थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, करंट ऑलवेज टेक द पाथ विच ऑफर मिनिमम रेसिस्टेंस। यहां तो यार रेसिस्टेंस जीरो ही है, इधर से तो ये बोला कि नहीं मैं आसानी से इसी रास्ते से चला जाऊं, यार इस रास्ते में तो बहुत भीड़ है ना, इधर तो बहुत जगह रुकना भी पड़ेगा, तो बेटर क्या है इसी रास्ते से क्या है मैं निकल जाऊं, तो करंट इधर से फ्लो हो जाएगा। यहां से तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, यार देखो ये और ये क्या है, सीरीज में है, तो हम इनका सीरीज इक्विवेलेंट भी लिख सकते हैं, क्या होगा 2 वोल्ट, सीरीज इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा अगेन 10 ओम, करंट क्या होगा आई, तो यहां अगेन आई इक्वल टू क्या होगा 2/10, आई मीन क्या होगा 0.2 एम्पीयर। एक मेथड है, दूसरा मेथड क्या है, किरचॉफ लूप लॉ यूज करो। तो लूप लॉ यूज करके क्या यूज करोगे, आई मीन बाय यूजिंग केवीएल, केवीएल यूज करोगे, तो हमने क्या किया, लूप ऐसे कंसीडर कर लिया यार, अगेन करंट के डायरेक्शन में कंसीडर कर लिया, तो हम कैसे सोचेंगे इसको, देखो लूप लॉ यूज करो, अगेन क्या है यही, आप यहां लूप लॉ यूज करोगे तो देखो क्या होगा, कहीं से चलो इसको लिख देते हैं ए बी सी डी और ये क्या हुआ ई, तो हम लिख सकते हैं अप्लाइंग अगेन बाय यूजिंग क्या होगा, यूजिंग केवीएल, देखो कहां से चले ऐसे केवीएल इन क्लोज लूप, क्लोज लूप ए बी सी डी ई ए। अब कहां से चल रहा है, ए से चल रहा है, तो करंट के डायरेक्शन में इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, माइनस आई एम, करंट के डायरेक्शन में while going in the direction of current potential drop या change in potential across resistor is considered as positive, क्योंकि हम यहां क्या potential ले रहे हैं, change का मतलब क्या हुआ, final minus initial, क्या होता है final minus initial, तो हम क्या लिखेंगे minus 4 I, again हम current के direction में जा रहे हैं तो 6 ohm के through क्या होगा potential, change in potential क्या होगा negative होगा, तो minus 6 I। यहां देखो हम हाई टर्मिनल टू लो टर्मिनल जा रहे हैं तो चेंज क्या होगा, माइनस ईएमएफ माइनस ई, तो माइनस 2। इस बैटरी को क्रॉस करने वक्त हम क्या कर रहे हैं, करंट के डायरेक्ट आई मीन लो टू हाई जा रहे हैं, तो यहां क्या हो जाएगा प्लस 4 इक्वल टू क्या हो गया जीरो, तो यहां भी देखो माइनस 10 आई प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो, आई इज इक्वल टू 2/10, आई मीन क्या हुआ 0.2 एम्पियर, क्या हुआ 0.2 एम्पियर आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है उसको भी देखते हैं हम, कुछ जो ईएमएफ से रिलेटेड है उसके बारे में हम देखेंगे, है ना।
इसके बाद इसको देखो, अब यहां हम आते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है 33 पे, क्वेश्चन नंबर 36 में दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, मैं एक आप लोगों को बताऊंगा। इसमें क्या दिया हुआ है देखो, इसको दो मेथड से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो ध्यान से, ये क्या है, E1, E2, EMF दिया हुआ है, इसका जो रेजिस्टेंस दिया है क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस R1, R2 और इसका जो वैल्यू दिया हुआ है वो R3 दिया हुआ है, R3। ये फिगर ए, फिगर बी जो है वो आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो, फिगर बी को भी आप खुद से ही ट्राई कर सकते हो, ठीक है। उसमें फिगर ए में आप पहले फिगर ए सॉल्व कर लेते हैं। अब ये देखो, ये क्या दिया हुआ है ए और दूसरा क्या दिया हुआ है बी। आपको क्या करना है, फाइंड वी ए माइनस वी बी, क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। आप देखो इसको दो तरह से सॉल्व कर, एक तो केवीएल यूज करके और दूसरा क्या है, सीरीज और पैरेलल इक्विवेलेंट ईएमएफ यूज करके, उसका भी सेल्स का सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन का भी कॉन्सेप्ट यूज करके आपको क्या करना है, वी ए माइनस क्या करना है, वी बी कैलकुलेट करना है। क्या करना है, यहाँ और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टर R3, इसके थ्रू कितना करंट फ्लो होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं, एक तो सिंपल पहले किरचॉफ्स लॉ यूज करके हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम क्या यूज करेंगे, बाय यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल इक्विवेलेंट ऑफ ईएमएफ ऑफ द सेल। अब देखो ध्यान से, यहां पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए, दैट इज यहां लिख लेना वी ए माइनस क्या है, बी बी, ठीक है। अब पहले देखो तो ए और ए बैटरी जो है वो क्या है, पैरेलल में है क्या, ये देखो तो E1 और E2 पैरेलल में है क्या, तो हम क्या कर सकते हैं, मेथड फर्स्ट में हम क्या कर रहे हैं, हम इन दोनों बैटरी को इनके इक्विवेलेंट एक सिंगल बैटरी से क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, जिसका ईएमएफ ईपी होगा। तो हम ऐसे लिख देते हैं, हमने क्या किया, सर्किट को ये दोनों सेल्स है वो क्या है, पैरेलल में है, तो हमने एक सिंगल सेल को से रिप्लेस कर दिया, जिसका ईएमएफ क्या होगा, ईपी होगा, क्या होगा, ईपी होगा, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, आरपी होगा, क्या होगा, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, आरपी होगा, है ना। यही पॉइंट क्या हुआ ए, एंड दिस इज पॉइंट क्या हुआ बी, ये क्या है R3। आरपी आप जानते हैं, आरपी क्या होगा, R1 R2 अपॉन क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2। और ईपी का ईपी कितना होगा, ईपी मैं यहां लिख देता हूं, आप लोगों को बताया भी था, ईपी इक्वल टू क्या होगा, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 इंटू क्या होगा, आरपी। ये बताया था रिजल्ट कि जब भी क्या होगा, व्हेन एवर बैटरीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देन वी कैन रिप्लेस ऑल बैटरीज बाय ए सिंगल बैटरीज हुज ईएमएफ इज इक्वल टू ईपी एंड हुज इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू आरपी, वेयर आरपी इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 एंड ईपी इज इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 इंटू ईपी। यहां से वैल्यू रख दोगे तो आपको, यहां से जब वैल्यू रखोगे तो देखो ये कितना हो जाएगा, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2, तो ईपी मिल गया। अब आसानी से हम क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस पहले तो करंट कैलकुलेट कर, तो देखो ये करंट कितना होगा, अब देखो R3 और RP क्या है, सीरीज में है, तो हम आसानी से यहां लिख सकते हैं I इज इक्वल टू क्या हो सकता है, ईपी अपॉन R3 प्लस क्या होगा, RP। करंट मालूम चल गया,
करंट I इक्वल टू क्या होगा, EP अपॉन R3 प्लस RP। अब EMF क्या होगा, आई मीन पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस क्या होगा, AB, A एंड B कितना होगा, देखो तो VA यहां लिख सकते हैं VA माइनस VB इक्वल टू क्या होगा, I इंटू क्या लिख सकते हैं R3, यही होगा ना यार। देखो ये हायर पोटेंशियल पे होगा और ये क्या होगा, लोअर पोटेंशियल पे होगा। अब अपने को क्या करना है, केवल वैल्यू लिख देना है, है ना। तो आई का वैल्यू अपने को मालूम है, देखो ईपी ठीक है इंटू R3 अपॉन क्या हुआ, R3 प्लस RP हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, सिंप्लीफाई करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। सिंप्लीफाई करोगे तो कितना होगा, देखो तो ईपी का वैल्यू रखो, देखो E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 ठीक है, और इनटू हमने क्या लिखा R3 डिवाइडेड बाय क्या होगा R3 प्लस R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर दो तो आंसर आ जाएगा, क्या होगा आंसर आ जाएगा। देखो इसका आंसर कितना आएगा, आप खुद से सिंप्लीफाई कर सकते हो। एक तो मेथड ये था कि पैरेलल इक्विवेलेंट ऑफ ईएमएफ हम क्या करें, लिख दें और डायरेक्ट आंसर लिख दें। तो इसका आंसर कितना होगा, देखो तो R3 इंटू क्या होगा E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन, देखो ये R1 और R1 प्लस R2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ R3 इंटू क्या हुआ R1 प्लस R2 प्लस R1 यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है क्या हो जाएगा, यही क्या होगा आंसर हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 36 का। देखो इसमें अरेंज करके दिया हुआ है E1, ठीक है E1 अपॉन R1 के टर्म में दिया हुआ है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है क्या कर सकते हो, आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। ये कितना होगा, यही क्या हुआ आंसर हो गया, है ना, क्या हो गया, यही क्या हो गया आपका आंसर आ गया। उसमें क्या किया है, इसमें जो इसमें क्या किया है, R1 R2 से क्या किया है, ऊपर नीचे क्या किया है, डिवाइड कर दिया है, तो उसका आंसर क्या होगा, थोड़ा अलग आएगा, तो ये क्या हुआ आंसर हो गया। सेकेंड मेथड से आप बोलोगे, सेकेंड मेथड से हम किरचॉफ्स लॉ यूज करके क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सेकंड मेथड से देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक तो हुआ कि क्या है, आपको दो बैटरी का पैरेलल में हो तो उनका इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होता है, इसका फॉर्मूला आपको याद कर जाना चाहिए, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 ठीक है। अब देखो जब क्या है, दोनों का हायर पोलैरिटी एक तरफ है तो हम प्लस यूज करेंगे, यदि दोनों का हायर पोलैरिटी क्या है दूसरी तरफ है तो हम क्या यूज करेंगे, माइनस साइन यूज करेंगे। दूसरे मेथड से इसको कैसे सॉल्व करेंगे आओ देखते हैं। अब हमने क्या किया, यहाँ दो बैटरीज हैं या दो सेल हैं, तो इससे करंट हमने I1 मान लिया, ऑफ कोर्स इससे करंट क्या है I2 मान लिया, ठीक है। अब देखो यहां जब ये करंट आएंगे तो इधर करंट कितना फ्लो होगा, I1 प्लस क्या हो जाएगा I2, यही करंट फ्लो होगा ना। अब दो लूप कंसीडर करके भी हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। दो लूप देखो तो दो लूप बनेगा क्या, दो लूप या सिंगल लूप भी हम कंसीडर करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें तीन लूप बनेगा, लेकिन मैंने उस दिन बताया था कि नंबर ऑफ लूप मस्ट बी इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ लूप कंसीडर्ड मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ अनोन, यहाँ अनोन कितने हैं I1 एंड क्या है I2 है। अब देखो VAB इक्वल टू क्या होगा I1 प्लस I2 इंटू क्या होगा R3, यदि I1 I2 का वैल्यू मालूम चल जाएगा तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, VAB लिख सकते हैं। तो यहां मैं क्या लिख रहा हूं, बाय यूजिंग M2 सेकंड मेथड भी है, नोडल एनालिसिस मेथड, उसको भी बाय यूजिंग किरचॉफ्स लॉ। अब देखो लूप हम कंसीडर कर लेते हैं, एक लूप देखो क्या होगा, इसको नंबरिंग मैं लिख देता हूं, देखो ये क्या होगा लूप, मैंने 1 मान लिया लूप 1, और इसको मैंने मान लिया क्या है लूप 2 ठीक है। तो देखो मैं कंसीडर कर रहा हूं लूप 1
देखो वन में आप कहीं से चलो, किधर से भी एक जगह चलो, मैं यहां से चल रहा हूं बैटरी से यहां से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा E2। देखो करंट के डायरेक्शन में रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, माइनस आई आर, तो माइनस आई वन प्लस आई टू इंटू क्या हो जाएगा आर थ्री, ठीक है। इधर जब जाओगे तो क्या हो जाएगा माइनस आई वन आर टू इक्वल टू क्या हो गया जीरो हो गया, ठीक है। तो यहां से देखोगे तो एक इक्वेशन मिल जाएगा, क्या मिलेगा कि ई टू इज इक्वल टू क्या हो गया आई वन प्लस आई टू आर थ्री प्लस आई वन आर टू, ठीक है। और इसको और सिंप्लीफाई करो तो ई टू इक्वल टू क्या होगा आई वन इंटू क्या हुआ आर वन प्लस आई मीन आर टू प्लस आर थ्री प्लस आई टू आर थ्री, एक रिलेशन मिल गया। अब नाउ एक इसको इक्वेशन हम वन लिख देते हैं, इक्वेशन नाउ कंसीडर लूप क्या होगा लूप टू। अगेन देखो इधर हम क्या कर रहे हैं करंट के अब अपोजिट डायरेक्शन में, नहीं करंट के डायरेक्शन में ही जा रहा हूं, ठीक है। तो कहां से चले, ए से चल रहे हैं, तो देखो तो इधर क्या हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा माइनस आई वन प्लस आई टू इंटू क्या हो जाएगा आर थ्री। देखो इधर क्या होगा करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, आर थ्री में हम क्या है करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो करंट के डायरेक्शन में चेंज इन पोटेंशियल माइनस आई आर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा माइनस आई वन प्लस आई टू इंटू आर थ्री। इधर भी क्या है आर वन में भी हम करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं यार, ऐसे लूप है, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा माइनस आई आई मीन आई वन आर वन प्लस ई वन इज इक्वल टू क्या होगा जीरो, तो ई वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा देखो यहाँ क्या होगा आई वन इंटू क्या होगा आर वन प्लस आर थ्री प्लस आई वन आर थ्री, ये दो इक्वेशन हुआ। अब आप क्या करोगे दोनों को सॉल्व, क्या है आप खुद से ट्राई कर लेना, सॉल्व बोथ इक्वेशन बाय यूजिंग क्या होगा बाय यूजिंग By using equations first and क्या होगा second find I1 and I2 and क्या होगा and use and क्या हो जाएगा VAB is equal to क्या होगा I1 plus I2 into क्या हो जाएगा R3। तो ये क्वेश्चन को हम दो तीन तरह से हम सोच सकते हैं, नोडल एनालिसिस मेथड भी है जिसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं आसानी से प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बी का जो है बी का भी आंसर सेम ही होगा, तो बी आप खुद से ट्राई कर लेना, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन है जिसको हम देखते हैं, ये क्वेश्चन कितना है 37 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या है क्वेश्चन नंबर 37 एचसीबी का ही है, इसमें दिया हुआ है देखो ये पॉइंट ए है एंड दिस इज पॉइंट क्या है बी, ठीक है। यहाँ दिया हुआ है इसका ईएमएफ ई वन आर वन ई टू आर टू इंटरनल रेजिस्टेंस अगेन ई थ्री आर थ्री, ठीक है। और दिया क्या है आपको फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, देखो क्या है पहले लिख देते हैं, यहाँ दिया हुआ है कि आर वन इक्वल टू क्या दिया हुआ है R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू 1 ओम दिया हुआ है, ये गिवन है, मैं शॉर्ट कोड में लिख देता हूँ, है ना। और E1 इक्वल टू दिया हुआ है 3 वोल्ट, E2 इज इक्वल टू 2 वोल्ट एंड E1 इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1 वोल्ट दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। आपको क्या करना है फाइंड VA माइनस VB एंड करंट थ्रू ईच ब्रांच, करेंट थ्रू ईच ब्रांच। अब इसको भी क्या कर सकते हो तुम, दो तरह से सोच सकते हो। देखो यहां ध्यान से देखना, तीनों जो बैटरी है वो क्या है पैरेलल में है, क्या है तीनों बैटरी जो है वो क्या है पैरेलल में कनेक्टेड है, क्या है तीनों बैटरी पैरेलल में कनेक्टेड है।
अब देखो इसमें क्या है, पहले तो आप डायरेक्ट पैरेलल का फॉर्मूला लिख दो। तो हम क्या कर सकते हैं, एक स्टेप में देखो क्या आ जाएगा तुम्हारा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी आ जाएगा एक स्टेप में। तो मेथड क्या है, बाय यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ द क्या होगा ऑफ द ठीक है। अब देखो क्या है, डायरेक्ट मैं लिख सकता हूं, अब देखो तीन सेल्स हैं तो ईपी का फॉर्मूला क्या होता है, ईपी का फॉर्मूला क्या होगा, देखो यहां मैं लिख रहा हूं। अब इसको क्या करेंगे हम, एक सिंगल बैटरी से क्या करेंगे, रिप्लेस कर, यही क्या हुआ ए और ये क्या हुआ बी हो गया, ये ईपी हो गया एंड दिस इज नथिंग बट द आरपी ठीक है, आरपी। अब देखो यहां क्या लिखेंगे, ये मेथड फर्स्ट हुआ तो ईपी इज इक्वल टू क्या होगा, ई1 अपॉन आर1 प्लस ई2 अपॉन आर2 प्लस ई3 अपॉन आर3 इनटू आरपी। देखो R1, R2, R3 क्या है, सेम है, तो हम लिख सकते हैं E1 प्लस E2 प्लस E3 अपॉन R, और RP क्या हो जाएगा, डायरेक्ट R बाई क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया और ये कितना आ गया, E1 प्लस E2 प्लस E3 अपॉन क्या हो जाएगा, 3। देखो एक स्टेप में आ गया, एक स्टेप में आंसर आ गया E1 प्लस E2 प्लस E3 बाई 3। अब क्या करो, ऐड कर दो सबका ईएमएफ दिया हुआ है यार, कितना दिया हुआ है ईएमएफ, कितना दिया हुआ है, अब वैल्यू रख दो तो ईपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 बाई 3 इक्वल टू 2 वोल्ट, और आरपी तो आपको मालूम ही है कितना हुआ, R/3 कितना हो जाएगा 1/3। तो एक स्टेप में ही आंसर आ गया कि इनके बीच VAB कितना होगा। अब देखो यहां सिंगल बैटरी में इसके थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं होगा यार, क्या होगा, यदि क्या होगा बैटरी के थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन या टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू क्या होगा, ईएमएफ ऑफ द सेल। व्हेन देयर इज नो करंट फ्लोइंग थ्रू इक्विवेलेंट बैटरी देन द टर्मिनल वोल्टेज विल बी इक्वल टू क्या होगा, ईएमएफ ऑफ द बैटरी। तो यहां हम बोल सकते हैं कि VAB क्या होगा, VAB इज इक्वल टू क्या होगा, ईपी। तो फर्स्ट पार्ट आसानी से सॉल्व हो गया, क्या हुआ, फर्स्ट पार्ट आसानी से सॉल्व हो गया। अब आप बोलो कि सर करंट हर ब्रांच में कैलकुलेट करना है तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या है करंट हर ब्रांच में अपने को कैलकुलेट करना है, तो फर्स्ट पार्ट देखो आसानी से सॉल्व हो गया। सेकेंड पार्ट में हम सेकेंड मेथड में क्या करते हैं, बाय यूजिंग किरचॉफ्स लॉ, जो मैं आपको देखो बता रहा हूं अगेन। तो यहां क्या है, दूसरा जो मेथड है उसको हम कैसे यूज करेंगे, इसको खुद से ट्राई करना है, है ना, आप खुद से ट्राई करना है इसको। देखो क्या है, बाय यूजिंग मेथड टू, बाय यूजिंग क्या होगा कि किरचॉफ्स लॉ, तीसरा मेथड भी है नोडल एनालिसिस भी मैं बता देता हूं अभी। तो देखो यहां क्या है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस ईएमएफ, ये आपको E1 E2 किसी को कंसीडर कर लो यार, E1 E2 E3 है ना, ये कितना दिया हुआ है, E1 3 वोल्ट, E2 कितना दिया हुआ है, E2 2 वोल्ट दिया हुआ है, 2 वोल्ट, और E3 कितना दिया हुआ है, 1 वोल्ट दिया हुआ है, ये कितना है 1 ओम, दिस इज 1 ओम, दिस इज 1 ओम, और यही क्या है पॉइंट ए है और ये क्या है पॉइंट बी है। अब देखो यहाँ क्या है, अब हम कैसे सोचेंगे, देखो ध्यान से, हम मान लेते हैं कि इसमें किस सेल का ईएमएफ सबसे ज्यादा है, किस सेल का है, तो देखो E1 का ईएमएफ कितना दिया हुआ है, 3 वोल्ट दिया हुआ है, तो इसी से हम इसको सोर्स की तरह कंसिडर कर लेते हैं, कुछ भी तुम कंसीडर करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमने मान लिया कि इससे करंट क्या हो रहा है, आई आ रहा है, तो यहां भी क्या होगा, आई करंट आएगा। जब देखो यहां जब करंट आएगा इस नोड पे, ये नोड पे है ना, तो इसको दो रास्ते मिलेंगे, एक रास्ता ये होगा और एक रास्ता क्या होगा, ये होगा, तो इधर क्या होगा करंट को चला जाएगा,
ये क्या हुआ आई वन और इधर करंट क्या हो गया आई टू। अगेन मैं नेमिंग कर दूं, देखो ए बी आई मीन ए तो दिया हुआ है यहाँ ए, इसको पी यहाँ लिख देता हूँ क्यू, ठीक है, और ये बी हुआ ए, और यहाँ क्या लिख देता हूँ आर एंड एस जस्ट लूप के लिए। अब यहाँ भी क्या है देखो तीन लूप बनेंगे, हम क्या करेंगे तीनों लूप क्या करेंगे कंसीडर कर लेंगे, है ना, तीन लूप दिया तीन लूप बनेंगे। देखो एक एक कौन सा लूप बनेगा ए, देखो ध्यान से ए पी क्यू बी ए एक लूप ये बनेगा, दूसरा लूप क्या होगा ए आर एस बी ए, तीसरा लूप क्या बनेगा पी क्यू एस आर पी। लेकिन अपने को क्या चाहिए मिनिमम कितने लूप चाहिए दो ही, क्यों, क्योंकि दो अनोन है आई वन आई टू। अब यहां से देखो इस मेथड से क्या होगा करंट भी निकल जाएगा। दूसरा मेथड करंट निकालने के लिए है, मान लो कि मुझे इसमें करंट निकालना है तो हम क्या करें इसको और इसको इक्विवेलेंट पैरेलल इक्विवेलेंट सेल से हम क्या करें रिप्लेस कर दें, आसानी से करंट निकल जाएगा। फिर यदि इसमें निकालना है तो जिसमें करंट निकालना है जिस सेल के थ्रू या जिस सर्किट के थ्रू उसको छोड़ करके रिमेनिंग दो को हम क्या करेंगे पैरेलल से रिप्लेस कर सकते हैं और आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन मैं एक ही मेथड बता रहा हूँ तो खुद से तुम लोग ट्राई कर लेना। तो यहाँ मैं यूज कर रहा हूँ क्या KVL, तो कंसीडर मैं लिखता हूँ कंसीडर क्या है कंसीडर लूप ए पी क्यू ए, देखो कैसे लूप है ऐसे ध्यान देना है इधर से चलते हैं ए पी क्यू ए, ए टू पी क्यू ए आई मीन ए टू पी क्यू फिर बी ए, सॉरी यहाँ बी ए होना चाहिए पी क्यू बी ए, ठीक है। अब देखो कहाँ से चल रहे हैं हम ए से चल रहे हैं ए आई मीन पी से, तो देखो तो इसके क्रॉस अब देखो इस वन ओम रेजिस्टर के थ्रू करंट जो करंट के डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा पॉजिटिव होगा, कितना हो जाएगा प्लस आई आर ओ वन ओम है तो लिखना जरूरी है नहीं है। बैटरी को देखो हाई टू लो जा रहा है तो माइनस माइनस क्या लिखेंगे थ्री, यहाँ देखो इस बैटरी को लो टू हाई क्रॉस करने वक्त लो टू हाई जा रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा प्लस टू। इधर देखो इधर क्या होगा इधर हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो यहाँ भी क्या होगा प्लस आई वन आर वन, तो ये क्या हो जाएगा प्लस आई वन इक्वल टू क्या हो गया जीरो हो गया। तो देखो यहाँ से आई प्लस आई वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वन, एक इक्वेशन मिल गया तुमको। और हम जानते हैं यहाँ नोड नोड लॉ यूज करोगे तो आई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आई इक्वल टू आई वन प्लस क्या लिख सकते हैं आई टू भी लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख सकते हो क्या लिख सकते हो टू आई वन प्लस आई टू इक्वल टू क्या होगा वन, इक्वेशन सेकंड हो गया, एक रिजल्ट मालूम चल गया तुमको। अब हम आते हैं लूप दूसरा कंसीडर कर रहे हैं कंसीडर लूप क्या है ए अगेन ए बी एस आर ए आई मीन देखो ए बी एस आर ए ये वाला लूप कंसीडर कर रहा हूं। अब क्या करना है करंट के डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर ऑलवेज नेगेटिव होगा, तो देखो तो इसके अक्रॉस ड्रॉप कितना होगा क्या करना है सभी एलिमेंट्स के तरफ पोटेंशियल डिफरेंस लिख दो और उसको जीरो कर दो लूप में क्लोज लूप में, तो क्या होगा माइनस माइनस आई वन, ठीक है, इसके अक्रॉस ड्रॉप क्या होगा माइनस क्योंकि हाई टर्मिनल टू लो टर्मिनल जा रहे हैं, ये कितना हो जाएगा माइनस टू, इधर क्या हो जाएगा हाइट लो टू हाई तो क्या हो जाएगा प्लस वन, और इसके अक्रॉस क्या हो जाएगा करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो यहां क्या हो जाएगा प्लस आई टू, क्या हो जाएगा प्लस आई टू, इधर करंट आई टू जा रहा है तो लिखेंगे प्लस आई टू इक्वल टू क्या हो गया जीरो। तो यहां भी देखो यहां क्या हुआ आई टू माइनस आई वन इक्वल टू क्या हो जाएगा वन हो जाएगा। अब देखो दो इक्वेशन दो अनोन मिल गया, अब हम लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, क्या लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, क्या करो इसको टू से मल्टीप्लाई कर दो यार, अब दोनों को क्या करो तुम ऐड कर दो, सो एडिंग क्या होगा एडिंग फर्स्ट एंड क्या हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड, तो जब फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करोगे तो देखो ए और ए क्या हो गया कैंसिल हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा थ्री आई थ्री इक्वल टू क्या हो जाएगा थ्री आई थ्री इक्वल टू थ्री आई टू,
तो आई टू इक्वल टू क्या हुआ, 1 एम्पियर हो गया। आई टू 1 एम्पियर हो गया तो आई वन कितना होगा? देखो यहां ध्यान से, आई वन कितना होगा, आई टू यदि 1 एम्पियर हो गया तो आई वन कितना होगा, 0 हो जाएगा। देख लो ध्यान से, देखो यहां ध्यान से, किसी एक इक्वेशन में, चलो हम क्या कर रहे हैं, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इसमें हम क्या कर रहे हैं, आई टू का वैल्यू इसमें रख रहे हैं, किसमें, इधर, सॉरी फर्स्ट नहीं, सेकेंड। तो देखो तो कितना हो जाएगा, 2 i1 + 1 = क्या हो जाएगा, 1 = 1, 1 कैंसिल हो गया, तो i1 = क्या हो गया, 0 हो गया। i1 0 हो गया यार, अब i1 0 हो जाएगा तो इसके थ्रू कितना करंट जाएगा, इसके थ्रू i1 0 हो गया तो i2 = क्या हो जाएगा, i2 = क्या हुआ, 1 एम्पियर। ठीक है, अब तीनों ब्रांच में करंट भी आपने को मालूम चल गया क्या हुआ कि मिडल ब्रांच में जो करंट होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसमें देख लेना आप आंसर, है ना, क्या हो जाएगा, मिडल ब्रांच में जो करंट होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना, ठीक है ना। हाँ, मिडल ब्रांच में जो करंट होगा वो क्या होगा, आई मीन आई टू इसमें दिया हुआ है क्या, उन्होंने क्या कंसीडर किया है, 37, इसमें आई टू, ठीक है, आई टू 0 है ना, आई टू क्या है, 0 दिया हुआ है, और आई वन क्या है, अब देखो इसमें, उसमें आंसर क्या दिया हुआ है, आई मीन इसका जो वैल्यू दिया है वो क्या दिया हुआ है तुम्हारा, क्या दिया हुआ होगा, उसमें माइनस करंट दिया हुआ होगा, इसमें जो आंसर दिया हुआ है वो माइनस, आई मीन यहाँ जो वैल्यू दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, माइनस 1 एम्पियर दिया हुआ है। माइनस का मतलब क्या हुआ कि जब ये क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो इन्होंने माना होगा कि ये जो बैटरी है वो करंट सप्लाई कर रहा है, तो माइनस से कन्फ्यूजन नहीं होना है, समझ में आया ना, ये मत समझना कि आंसर उसमें गलत दिया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या होगा, आई टू इक्वल टू आई वन इक्वल टू क्या होगा, 1 एम्पियर हो गया। अब तो आप आसानी से बता सकते हो कि वी ए बी कितना होगा, देखो तो वी ए बी इक्वल टू क्या होगा, वी ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, देखो तो इसके अक्रॉस करंट 0 हो गया, अब यही शेल कंसीडर कर लो यार, एक कोई, तो इसके अक्रॉस क्या होगा, करंट 0 हो गया, तो सिंपल क्या हो जाएगा, वी ए बी इक्वल टू, ये तो इसका काम ही नहीं है यार, है ना, करंट 0 हो गया तो ये सिंपल क्या हो जाएगा, सिंपल क्या हो जाएगा, ई टू इक्वल टू 2 वोल्ट हो जाएगा, तो वी ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई टू इक्वल टू। तो आप इस मेथड से भी क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूं कि आप क्या करोगे, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और भी देखो इसमें दिया हुआ है, जैसे देखो ये क्वेश्चन नंबर क्या है, और आप खुद से भी ट्राई कर लेना, 43 नंबर जो क्वेश्चंस होगा अब हम क्या करेंगे, ठीक है। और भी क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, आप खुद से इसको ट्राई करना, देखो मैं होमवर्क देता हूँ, तुम लोग खुद से इसको ट्राई कर लेना। क्वेश्चन नंबर क्या है, HW, इसको खुद से ट्राई करना, हो जाएगा। HW में क्या है कि एक और क्वेश्चन जो है मैं अभी नहीं बता रहा हूँ कि क्या है, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। उसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर क्या है, 20, क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही अच्छा है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। इसके बाद आप सॉल्व कर लेना क्या, 38, 39, क्वेश्चन नंबर क्या होगा, 38, 39, है ना, 39। उसके बाद 43, क्वेश्चन नंबर क्या है, 43। तो आप इतने क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो आप इक्विवेलेंट ईएमएफ का कॉन्सेप्ट यूज करके आप क्या कर सकते हो, आसानी से सॉल्व कर सकते हो दोनों मेथड्स। ये होमवर्क है, आप इसको ट्राई कर लेना, नहीं आएगा तो आप मुझसे डाउट पूछ सकते हो, लेकिन आ जाएगा आप आइदर किरचॉफ लॉ यूज करना और क्या करना, इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ द सेल का कॉन्सेप्ट यूज करके
आसानी से क्या कर सकते हो, इस सर्किट को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, है ना। क्या है इसमें 20 नंबर जो क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा है ना। उसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में कि मान लो कि लोड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दिया हुआ है और एन नंबर ऑफ सेल्स दिए हुए हैं जिनका ईएमएफ क्या है, इक्वल है और इंटरनल रेजिस्टेंस भी इक्वल है। तो आपको यदि आर का वैल्यू दिया हुआ है तो आपसे पूछा जाए कि आपको मैक्सिमम करंट विथड्रॉ करने के लिए, है ना, उसको किस तरह कनेक्ट करोगे, सीरीज में कनेक्ट करोगे या पैरेलल में कनेक्ट करोगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई करना, नहीं आएगा तो मैं आपको सॉल्व करके भेज दूंगा, ठीक है। तो आज के क्लास में बस इतना ही, इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर से रिलेटेड प्रॉब्लम हम देखेंगे। ओके, थैंक यू।